हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम लोग जो हमारा यूनिवर्सिटी सीरीज चल रहा है, यूनिवर्सिटी सीरीज के अगले एपिसोड में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देवभूमि उत्तराखंड में लोकेटेड है, हिमालय की पहाड़ियों के बीच गंगा यमुना अंचल में जो है ये बहुत खूबसूरत जगह पर स्थित है। और इसके बारे में हम लोग आज जो है एक एक करके देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, सीयूटी के थ्रू कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए, हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज क्या है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। पिछले वीडियो में हमने जो है एक एमपी में जो सागर में स्थित है उसके बारे में हमने बात किया था यूनिवर्सिटी के बारे में, और उसको भी जाकर के देखिएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी ये दूसरी यूनिवर्सिटी है जो कि हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में, इसके बाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी आने बाकी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इसका जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर एडमिशन का जो है अभी नोटिस क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का डेट देख लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एडमिशन लेना है तो कैसे लेंगे। तो सबसे पहली बात, आपने जो है सीयूटी का एग्जाम अगर दिया है तो आपके पास स्कोर कार्ड अब है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर कहा है इन्होंने कि 2 अगस्त से 11 अगस्त तक जो है हम सीयूटी यूजी में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश हेतु दिनांक 2 से 11 अगस्त तक समर्थ पोर्टल पर जो अनिवार्य रूप से लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण किया जा सकता है। तो आप पंजीकरण करा सकते हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन यहां पर करवा सकते हो। अभी मैं इसका कैंपस टूर करवाऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा, मतलब इतना मनोरम जगह पर ये है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलो, उत्तराखंड वैसे भी आप जानते हो कितनी सुंदर जगह है। चलो, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं अब कि आपको एडमिशन, जैसे कि मैंने बता दिया जो है 11 तारीख तक अभी ओपन है, ठीक है। क्या तारीख तक, एक बार फिर से देख लो भाई, 11 तारीख तक, ठीक है, 2 से 11। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि एडमिशन जो है किस वेबसाइट पे जाना है। तो ये है वेबसाइट, हमने कहा था ना कि लगभग जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, सबका जो है यहाँ पर इस वाले वेबसाइट पर। पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, ठीक है, जैसे HN मतलब हेमवती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये लिखा, आगे CUT लिख दो, समर्थ लिख दो, वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे, देन यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और इसके बाद आप जो है आगे जा सकते हो, फिर वही काम करना है जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाओ और पूरी प्रक्रिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम PPT के ऊपर, क्योंकि वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए एक जगह पर कंपाइल कर दिया। तो ये हम जान लिए कि यहाँ पर जो है एडमिशन जो है वो रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्टेड है। अब जब हम बात करते हैं ये यूनिवर्सिटी की, सबसे पहले हम लोग कैंपस देख लेते हैं। तो कैंपस जो है वो समझो कि पहाड़ों के बीच में, ठीक है, पहाड़ों के बीच में, मतलब आप घरवाल हिमालय जानते हो ना, हिमालय में, हिमालय के कई सारे जो है पार्ट्स हैं, उसमें घरवाल हिमालय है, तो इसमें इसका कैंपस जो है वो फैला हुआ है और हिमालय की वादियों में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला कैंपस इसका है BCC कैंपस, ठीक है, BCC मतलब बिरला कैंपस इसको कहते हैं, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। अब ये उस वाले श्रीनगर से कंफ्यूज मत करना जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो वो वाला नहीं है, ये श्रीनगर उत्तराखंड में लोकेटेड है, एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर ये कुछ ऐसा आपका कैंपस है और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। इसके टोटल 3 कैंपस है, लेकिन मैं यहाँ के अभी जो है वीडियो बनाने से पहले, कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो पहले वहाँ के बच्चों से बात कर लेता हूँ। तो अभी मैंने जो यहाँ पर अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक दो से हमने बात किया, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो है इस श्रीनगर में ही एक और कैंपस है, लेकिन जो वेबसाइट पर अवेलेबल है उन्होंने बताया कि उसमें 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, तीनों देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये देख लिया आपने जो कि श्रीनगर इतना ब्यूटीफुल है, देख रहे हो नजारा, देख रहे हो आप, देख करके थोड़ा आपको लग रहा होगा भाई ये तो स्वर्ग जैसा कुछ है ना। BGR कैंपस पौरी घरवाल में है, तो ये जो है पौरी में है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बेजवारा, ठीक है, गोपाल रेड्डी ऐसा नाम है, ठीक है, कैंपस है ये। तो दूसरा कैंपस ये आपने देख लिया, और ये भी देखो पूरा जंगल है, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर ये बसा हुआ है, तो ये आपका दूसरा कैंपस हो गया। और साथ ही साथ एक और कैंपस यहाँ पे दिख जाएगा आपको, SRT कैंपस टिहरी में। तो टिहरी में खुद घूमने गया था, मतलब मैं उत्तराखंड गया था, टिहरी में घूमा हूँ भाई, मतलब कितना शानदार, बहुत शानदार जगह है भाई उत्तराखंड, ठीक है। तो स्वामी राम तीर्थ कैंपस इसका नाम है, टिहरी में ये पड़ता है, ओके। तो टिहरी का देख सकते हो पूरा, मतलब लग रहा है कि कहीं पर, मतलब अलग ही देश में आ गए, नहीं अपना देश तो नहीं लग रहा है, देखो कितना सुंदर है, आपको लग रहा होगा कि कहीं स्विट्जरलैंड में आ गए हैं क्या, तो ये हाँ स्विट्जरलैंड जैसा ही कुछ आपको दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये कैंपस हो गया, लेकिन उन्होंने बताया कि एक इसका और कैंपस चलता है जो कि श्रीनगर में ही लोकेटेड है, उनका कुछ नाम बताया था उन्होंने, बट इनके वेबसाइट पर ये 3 ही कैंपस दिखाया जा रहा है। तो ये 3 कैंपस
हमने आपको दिखा दिया ये तीनों कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, वो भी हम एक एक करके अभी देखने वाले हैं। ओके, अब देखो यहां पर जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स चलता है वो देख लीजिए। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि 3 साल का यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर एनईपी लागू हो चुका है। ओके, एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहां पर लागू हो चुका है। तो स्टूडेंट से बात करने पर पता चला कि बीए में उन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, तो बीए में जो उन्होंने एडमिशन लिया है तो एनईपी लागू हो चुका है और ये जो है अभी 4 ईयर का है, उनका जो है प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, 4 ईयर का ये चल रहा है। तो 4 ईयर करने का क्या है कि 4 ईयर आप करोगे यहाँ पर, इसके बाद आपको पीजी जो होगा वो एक ही साल का करना होगा। अभी हमारा क्या होता है 3 साल हम करते हैं और 3 साल करने के बाद 2 साल पीजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम है यूजी का वो 4 साल का चल रहा है, जैसे बीएचयू में अभी इंप्लीमेंट होने वाला है, लेकिन ये बहुत आगे है यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एनईपी इंप्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, जो एनईपी 2020 आई थी वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुका है और ये 4 साल का कोर्स यहाँ पर चल रहा है यूजी का कोर्स, ठीक है, तो 4 साल का चल रहा है। तो ये 3 ईयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बीए का कोर्स यहाँ पर 4 साल का अब जो है यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। बी ऑनर्स मास कम्युनिकेशन ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स भी यहाँ पर है। और ये देखो आप बीए किस में कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो ये 4 साल का हो रहा है, स्पेशली मैं बीए के लिए बता दे रहा हूँ, वैसे ही मतलब बीएससी के लिए भी होगा। तो बीए में, ठीक है, जैसा कि मुझे पता चला तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम बीएचयू में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपको 3 सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर और उसमें से एक ऑनर्स होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर आपको जो है 2 सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट आपके और रहेंगे, ठीक है, जो कि कोर सब्जेक्ट रहेंगे। तो 2 सब्जेक्ट इधर हो गए जो कि आपके एकदम मुख्य सब्जेक्ट होंगे, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और रहेंगे, इसके अलावा 2 और आपको चूज करना होता है, ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपके पास हो गए। अब ये जो सबसे पहले समझो, ये 2 सब्जेक्ट, जैसे हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो रहता है ना बीएचयू में, जैसे एक ऑनर्स होता है, 2 आपका कोर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 कोर सब्जेक्ट है, ये दोनों क्या हो गया, ये कोर सब्जेक्ट हो गया और 2 सब्जेक्ट और हैं आपके पास, ठीक है, 2 सब्जेक्ट और हैं जो कि आपके एकदम मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए और ये 2 कोर सब्जेक्ट्स हो गए। अब होगा क्या कि 2 आपने मेन सब्जेक्ट ले लिए और ये 2, ये जो कोर सब्जेक्ट है ना, ये कोर सब्जेक्ट आपको 2 साल ही पढ़ना होगा, ठीक है, 2 साल ही आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, इसमें से सबको पढ़ोगे, मतलब 2 साल तो सबको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये जो 2 है ना, ये आपको अपने चॉइस के अनुसार आपको चुनने का मौका मिलता है। कुछ अपने जो है कुछ एंसिलरी सब्जेक्ट जैसे बीएचयू में चलता है वैसा ही कुछ होगा यहाँ पर भी। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपको चॉइस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, इसको जो है 2 सेमेस्टर यानी कि 1 ईयर तक ही पढ़ना होता है, यहाँ भी सेमेस्टर वाइज चलता है प्रोग्राम, तो ये 2 सेमेस्टर तक ही पढ़ना होता है, 2 सेमेस्टर बाद है छूट जाएगा, ठीक है, जैसे बीएचयू में भी होता था, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश होता है, ठीक है, आप और भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही चॉइस के अकॉर्डिंग आपको 2 सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है। वैसे जब नया एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो बीएचयू में भी आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये 2 सब्जेक्ट जो कोर हो गए इसको 2 साल तक यानी 4 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना होगा, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है आपका जो 2 मेन सब्जेक्ट्स है, तो ये जो 2 मेन सब्जेक्ट्स है ये आपको 2 साल पढ़ना है, ठीक है, इसको भी 2 साल, इसको भी 2 साल, 4 सेमेस्टर साथ साथ पढ़ोगे सारा। लेकिन जब थर्ड ईयर में जाओगे यानी कि 5th सेमेस्टर में, वहां पर आपको चूज करना होगा कि आप इन दोनों में से किसको आप अपना ऑनर्स बनाना चाहते हो, ठीक है, आपके पास ये चॉइस रहेगी, ये जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो क्योंकि ये 4 साल का हो गया ना, तो आपको जो है थर्ड ईयर में यहां पर जाकर के, ठीक है, थर्ड ईयर में जाकर के आपको उन्होंने बताया कि 2 साल ये पढ़ोगे और ये वाला जो है इसमें से आप फिर क्या करोगे, एक ऑनर्स बना लोगे अपना, ठीक है, थर्ड ईयर में जाकर के 2 साल तक तो ये सब पढ़ोगे, ये वाला मतलब एक ही साल तक 2 सेमेस्टर तक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा यहां पर स्ट्रक्चर चल रहा है कोर्स का, जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेमेस्टर जैसा कुछ चल रहा है। तो आपको 6 सब्जेक्ट्स यहां पे मिलते हैं फर्स्ट ईयर में तो 6 के 6 पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलो, कुछ इस तरीके से हो गया। और यहां पर ये सारे कोर्स चलते हैं, कोर्स एक बार देख लो, ये सारे के सारे यूजी के कोर्सेस हैं, सारे के सारे यूजी के कोर्सेस हैं, ठीक है। ये देखो बैचलर ऑफ साइंस भी है इसमें, देखो इतने सारे कर सकते हो, ये बैचलर ऑफ साइंस में इतने सारे सब्जेक्ट्स यहां पे चल रहे हैं, ठीक है। LLB भी कर सकते हो, ध्यान देना LLB, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 ईयर्स 8 सेमेस्टर, ये जो है 4 ईयर वाला है। देखो कुछ ऐसे भी कोर्सेस है जो कि 4 ईयर का इसमें हो रहा है, BSc हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो ये 4 ईयर का पहले से चल रहा है, अभी तो BA का बताया वो भी 4 साल का चल रहा है, ठीक है। बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ये भी यहाँ पर चलता है, ये 4 ईयर का है। इसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन है, 1 ईयर का है ये। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, BPED चल रहा है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। BBA भी है, 3 साल का है। देखो BBA आप करना चाहते हो ये यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और ये देखो अब मास्टर्स के भी कुछ हैं, लेकिन इसमें से आई होप कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इस चैनल पे अभी जो है यूजी कोर्सेज वाले ही देख रहे हैं, तो ये भी आप देख लेना, अगर आपको एमए करना है तो वहां से कर सकते हो, ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको। ये सब यहां पर एमए के कोर्सेज भी यहां पर चलते हैं, एमएमएससी जो भी है, ठीक है। डिप्लोमा के भी कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलता है और रिसर्च प्रोग्राम भी यहां पर चल रहा है, तो PhD जो करना है वो सब भी कर सकते हो यहां से, ठीक है। और
इसके बाद हमने अभी क्या क्या देख लिया, कोर्स देख लिया, कैंपस देख लिया, ठीक है, कौन कौन से कोर्स चलता है। लेकिन अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, सीयूटी का पहले एग्जाम देना होगा। अगर आप 2025 में देना चाह रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारा नया बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो अब आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। फीचर्स यहां पर लिखे हुए हैं, आप अगर कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। 21 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो ये सब यूजी में ये सारे कोर्सेस यहां पर आपको कराए जाते हैं। और पीजी में अगर आप देखोगे तो पीजी भी कर सकते हो, पीजी की तैयारी भी कर सकते हो यहां पे, ठीक है। तो ये सब पीजी में ये सारे कोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं एक बार कि यहां पर फैसिलिटीज क्या है। तो फैसिलिटीज भी जानना चाहोगे आप कि भाई यहां पर जाएंगे पढ़ने तो फैसिलिटी में हमको क्या क्या मिलेगा। तो पहला तो है यहां पर सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी यहां पर देखो, ये जो है केंद्रीय पुस्तकालय सेंट्रल लाइब्रेरी, कुछ ऐसा यहां पे दिखता है, ठीक है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है इसका, ओके। तो सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा क्या क्या चीजें हैं यहां पे, तो ये देखो यहां पर हॉस्टल की भी सुविधा आपको यहां पर दी जाती है, ठीक है। हॉस्टल के बारे में यहां पर आप देख लीजिए, अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, भागीरथी, ये सब नदियों के नाम पर है, मंदाकिनी। जब आप उत्तराखंड में जाओगे तो ये आप ये कोर्स तो कर ही लोगे, साथ ही साथ आप साक्षात वहां पे जाकर के अलकनंदा नदी को छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, भागीरथी, ठीक है, मंदाकिनी, ये सारे जो नदियां हैं, गंगा, हायर स्टडीज, ये देखो सब कुछ, ये सब हॉस्टल का नाम है। नंदा देवी एक पर्वत है, ठीक है, हम गए थे, पास से देखा, मतलब बहुत पास से तो नहीं, ओली से देखा था, ठीक है, बट लग रहा था एकदम पास में, ठीक है। सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल, और तो ये जितने भी आपने जगह देखे होंगे ना उत्तराखंड में जो फेमस में, ओली हो गया, ठीक है, धनौल्टी हो गया, साथ ही साथ हरिद्वार के बारे में सुना होगा, टिहरी हो गया, मसूरी हो गया, आप वहां पर जब एडमिशन ले लोगे तो आप ये जगह भी सारे के सारे घूम सकते हो। और यहां पर ये भी बताया गया है कि भाई देखो 3 सीटर्स हैं, गर्ल हॉस्टल क्या है यहां पर, 3 सीटर भी है, जैसे बिरला कैंपस में यहां पर 3 सीटर, ये देखो कैंपस भी बताया गया है कि ये जो है वो कौन से कैंपस में है, ठीक है। चौराश, ये कौन सा कैंपस है जी, ये तो बताया नहीं गया था हमको पहले, ठीक है, ये BGR वाला, अभी हमने SRT देखा था बिरला, ये जो हम चौथे कैंपस की बात कर रहे थे वो वाला कैंपस शायद ये है, ठीक है, जो मुझे स्टूडेंट के थ्रू पता चला था वो शायद ये कैंपस था, लेकिन वेबसाइट पर ये नहीं दिखा रहा, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो 3 सीटर है, मतलब एक रूम में आप 3 लोग रहोगे, तो टोटल बेड्स कितने हैं, तो इस वाले हॉस्टल में केवल 56 लड़कियां रहती होंगी, ठीक है, और यहां पर जो है 200 बेड्स हैं, तो इसमें ज्यादा हैं कुछ, तो ये टोटल 9 जो है यहां पर गर्ल्स हॉस्टल है। साथ ही साथ बॉयज हॉस्टल भी है भाई, बॉयज चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि बॉयज को छोड़ दिया गया है, बॉयज के लिए भी 8 हॉस्टल्स हैं यहां पर, ठीक है। तो चौखंबा, ठीक है, जो भी नाम है भाई, ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ तो माफ़ करना, ठीक है। तो ये बिरला कैंपस में है, ये सब कुछ है, ठीक है, देख लेना एक बार, ठीक है। टिहरी बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, ये तो इसका नाम ही नहीं दिया है, सिर्फ बॉयज हॉस्टल है इसका नाम, सबका देखो भाई, सबका कुछ नाम है, बॉयज हॉस्टल बस बॉयज हॉस्टल ही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसमें इतने सारे सीट्स हैं, तो इसमें भी कुछ 3 सीटर्स हैं और कुछ 2 सीटर्स हैं, ओके। आगे बढ़े, अब ये सब आप अच्छे से देख लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये हॉस्टल हुई, ये कुछ ऐसा हॉस्टल यहाँ पे दिखता है, बढ़िया है भाई, देखो भाई एकदम कितना शानदार जगह पर लोकेटेड है, हाँ मिल गया तो कितना अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, हाँ एक चीज़ जो बात करने से मुझे पता चली, क्योंकि उनका जो है वो वहाँ पर रह रही है स्टूडेंट, तो उसको अच्छे से पता है, ठीक है। तो जब बात करने पर पता चला कि सबको हॉस्टल नहीं मिलता, ध्यान देना, जितने लोग एडमिशन लोगे सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो कुछ लोगों को बाहर भी रहना पड़ता है, ठीक है। तो जिनको हॉस्टल मिल जाएगा बहुत बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो आपको जैसे और शहरों में लेकर रहना पड़ता है रूम, वैसे यहां भी आपको रूम लेकर के रहना पड़ेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो ये हॉस्टल की होगी बात। इसके बाद यहां पर देखते हैं हम लोग, तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, तो 2 फैसिलिटी आपको दिख गई जो कि मेन जो कि यहां पर थे। इसके बाद फैसिलिटी में देखते हैं, तो स्पोर्ट्स भी यहां पर, स्पोर्ट्स की सुविधा आपको प्रॉपर तरीके से दी जाती है, और अभी मैं दिखाऊंगा आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि योगा कराने के लिए आपको जो है यहां पर केदारनाथ ले जा करके, देखो इनको जो है योगा कराया जा रहा है, हालांकि हो सकता है हर बार ना ले जाया जाता होगा, बट ये जब जिस भी बैच के स्टूडेंटों को लेकर गया होगा, जाया गया होगा, ठीक है, उनका जो है फोटो यहाँ पर लगाया गया है, तो देख सकते हो आप केदारनाथ घूमना चाहते हो और आपको मौका भी मिल सकता है शायद, ठीक है, तो योगा यहाँ पे कराया जा रहा है, ओके। चलो तो इसके बाद देखो कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पर एग्जिस्टिंग है, कुछ चीज़ें प्रपोज्ड भी हैं, जैसे कि स्विमिंग के लिए जो है, स्विमिंग के लिए जो सारी सुविधाएं होती हैं वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसा कि वो अभी प्रपोज्ड है, वो कुछ दिन बाद जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कौन कौन से हैं, तो फुटबॉल ग्राउंड है, हैंडबॉल है, ठीक है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, खो खो
है, कबड्डी है, जूडो है, ठीक है, और बॉक्सिंग है, भाई बॉक्सिंग भी है बताओ, ठीक है, टेबल टेनिस है, ट्रेनिंग लैब है, जिमनेजियम है, मतलब जिम भी आपको जाना जा सकते हो, ठीक है, सीमेंट क्रिकेट पिच, ये क्या होता है पता नहीं, ठीक है, सीमेंट क्रिकेट पिच ये कौन सा गेम होता है बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, देखो वहाँ पर जो है रॉक पर चढ़ने के लिए, क्योंकि आप पहाड़ी एरिया में हो तो ये भी जो है यहाँ पर जैसे BHU में माउंटेनियरिंग का कोर्स होता है, वैसे यहाँ पर भी शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब सिखाया जाता होगा। चलो तो ये होगा यहाँ पर किसकी सुविधा, तो ये स्पोर्ट्स की सुविधा होगी, ठीक है, तो स्पोर्ट्स भी आपको प्रॉपर ढंग से यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार जो है आप यहाँ पर ठीक है एक बार ये तो हमने दिखाई दिया, ठीक है, चलो आगे देख लेंगे वेबसाइट के थ्रू और कुछ बचा रहेगा तो देख लेंगे। अब यहाँ पे है कि भाई सबसे बड़ी बात कि फी कितना लगेगा, ठीक है, तो पहले मैं फी बता देता हूँ, जो जनरल कोर्सेज होते हैं BA BSc ये सारे जो कोर्सेज हैं उनका जो फी लगता है, जो जनरल कोर्सेज है, ठीक है, उनका फी जो लगता है वो एनुअली अगर आप देखोगे तो एनुअली आपको लगभग 2500 के आसपास यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ लगभग मिला दोगे तो लगभग 2500 के आपके पास कोर्स का फी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, कोर्स का फी लगभग कितना 2500 रुपये आपको देना होगा साल भर का, ओके, तो ठीक है, मतलब एडमिशन के टाइम पर ही ये आपसे ले लिया जाएगा पहले साल वाला, तो फी के लिए मतलब फी आप देखोगे बहुत कम है, ज़्यादा फी नहीं है, ओके। अब सीट्स के बारे में और फी के बारे में कोर्स वाइज देख लेते हैं, तो जनरल कोर्सेज के जैसे BA हो गया, BSc हो गया, ठीक है, BCom हो गया, ये सारे कोर्सेज के लगभग 2500 के आसपास फी है, तो फी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए फी इसका काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। चलो तो आगे आते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर फी का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, ओके, क्या हो गया, हाँ देखो फी देख लेते हैं, ठीक है, फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल कोर्सेस 2024-25 के लिए है। अब इसमें किया क्या है ना, हम सब जोड़ करके आपको बता दिए, ठीक है, जोड़ करके लगभग 2000 से 2500 आपका लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग कि वन टाइम एनुअल फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन के लिए यहाँ पर ये जो है एनुअल फी आपको एक बार देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फी मिला करके 100 रुपया, यूनिवर्सिटी ये सब करके, मतलब नया स्टूडेंट आओ तो 200 रुपया लगेगा, ऐसे करके आइडेंटिटी कार्ड के लिए ये सब करके, तो सब कुछ जोड़ दोगे अगर तो, ठीक है, सब कुछ जोड़ दोगे तो मान लो कि ये सब BA BSc BA ये सब जो कोर्सेज हैं यहाँ पर मंथ 75 रुपये बताया जा रहा है, बट पर मंथ फी नहीं लगता है, एनुअली फी लग जाता है, ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो इसमें से जो ये कोर्स दिख रहा है आपको ना, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, तो इसमें जो है फी लगभग आपका वही 2500 रुपया लगेगा, लेकिन कुछ कोर्सेज में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो BEd के कोर्सेज में, यहाँ पर ITEP के थ्रू जो ITP वाले स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखो, यहाँ पर जो है ITEP के थ्रू BEd भी यहाँ पर करवाया जाता है, BA BSc BCom, ठीक है, तो पर एनम यहाँ पर 18000 रुपये यहाँ पर लग जाता है। तो कुछ कोर्सेस का यहां पर देखोगे जैसे कि ये बीटेक करना चाहो तो बीटेक का ऑफकोर्स ज्यादा ही रहेगा, फिर 11000 है, इसमें देखो MBA, ठीक है, पर सेमेस्टर यहां पे फी बताएगा 15000 रुपए। तो कुछ कोर्सेस के लिए कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस भी है, देखो बी फार्मा हो गया, एम फार्मा हो गया, इन सब का कोर्स यहां पर बढ़ जा रहा है, इसका देखोगे तो 50000 है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस 50000 है, ठीक है। चलो तो कुछ कोर्सेस है जहां पर फी ज्यादा भी है, बट ओवरऑल हमने काउंट करके आपको बता दिया है, तो जिस कोर्सेस में आप जाना चाहते हो तो उसका अलग से भी देख सकते हो आप ऐसे, बट जनरल जो कोर्सेस होते हैं उसका जो फी हमने बता दिया है। कुछ कोर्सेज देखोगे आप कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका फी और ज्यादा है, देखो यहां पर दिखाते हैं, ठीक है, ये देखो ये कुछ कोर्सेज हैं जहां पर ठीक है, ये क्या कौन सा कोर्स है, वन टाइम फी फॉर ऑल कोर्सेज, कुछ ऐसा डिग्री सेमेस्टर वाइज 250 रुपये ऐसा कुछ बताया जा रहा है, बट कुछ कोर्सेस और भी हैं जैसे ये देखो स्ट्रक्चर फॉर सेल्फ फाइनेंस ट्यूशन फी, ठीक है, तो इसमें देखो कितना फी है, 30000 है, 12000 है, भाई ये सब कोर्सेज के लिए, ये पता नहीं कौन करते हैं ये सब कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज ये भी हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो पता कर लेना इसके बारे में और डिटेल में, इसमें लिखा होगा, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कोर्सेज की बात, लेकिन कोर्सेज के बाद यहाँ पर सीट्स के बारे में भी आना चाहिए। भाई बोलोगे कि सर सीट्स के बारे में आपने नहीं बताया, तो चलो सीट्स भी दिखा देते, देखो सीट्स के बारे में दिखा, देखो यहाँ पर सीट्स कितना है, तो देखो फॉरेस्ट्री नेचुरल रिसोर्स, ये BSc ऑनर्स भी होता है, इसमें MSc भी होता है, तो BSc जो है देखो 8 सेमेस्टर का बताया जा रहा है, ये जो है 8 सेमेस्टर का होगा, तो रेगुलर हो गया, CUT स्कोर के थ्रू आपका होगा, 40 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये श्रीनगर वाले कैंपस में है, टेरी और पौरी में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कुछ कोर्सेज में देखो अब एक एक करके आप देखते जाओ फटाफट से अपने कोर्सेज के, क्योंकि मैं सब अगर पढ़ने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर स्क्रीन इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, चलो देखते रहना कि किसमें कितना सीट्स हैं,
ये देखो देखते रहो, जैसे यहाँ पर देखो होम साइंस में बीए में कितना सीट है, 89 सीट भाई देखो, और इतने सारे सीट्स हैं। अभी मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, चिंता मत करना। अभी अब बहुत सवाल आ रहा बीच में दिमाग में, सर कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है कैंपस तो बहुत सुंदर है लेकिन ये बताओ कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अभी एक एक करके आएंगे, ठीक है। उस पर भी केमिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो बेसिक मैथमेटिक्स आप करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो 615 सीट्स है रे भाई, इतने सारे सीट्स। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, हमने बात किया तो बताया गया मुझे कि भाई पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छा है, एकदम शांत माहौल रहता है, और आप घूमना फिरना भी चाहते हो तो घूम फिर भी सकते हो। मतलब क्या चाहिए आपको, उन्होंने बताया कि लगभग स्वर्ग जैसा यहाँ पर माहौल रहता है, एकदम मजा आ जाता है, ठीक है। तो एकदम शांति रहता है। अगर आपको शांति पसंद है और एक नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए, पहाड़ों की वादियों में रहना है आपको, पहाड़ी की वादियों में बाहर बैठ करके बुक्स पढ़ने हैं, ठीक है, वैसा लाइफ अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल सकता है पूरा 4 साल। साथ में पीजी करोगे तो जो है 1 साल और, यानी 5-6 साल तक वहाँ पर आप रह सकते हो और आराम से जो है लाइफ को जी सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसी लाइफ जीना है तो। और फी भी आप देख रहे हो कि उतना है नहीं, ठीक है, बीएचयू में भी लगभग इतना फी लगता है, तो फी के बारे में वही चीज़ है, मतलब उतना है नहीं। और ये सब कुछ क्या होगा, सीयूटी मेरिट के बेसिस पर होगा। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे बीएचयू में जो है क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, जैसे आप जेएनयू में भी स्टूडेंट यूनियन, वैसे ही यहाँ पर ये जो हेमवती ये जो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ये जो हेमवती यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ओके एक सेकंड, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे है। तो स्टूडेंट यूनियन को आप नेगेटिव सेंस में मत यहाँ लेना, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन जो है वो छात्रों के हेल्प के लिए होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो स्टूडेंट यूनियन के थ्रू आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो, तो कई बार ये फ़ायदा भी करता है। हाँ, चुनाव वनाव का जब माहौल हो जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो जाए, लेकिन स्टूडेंट यूनियन जो है स्टूडेंट के लिए ही होता है। अगर आप सही से उसमें पार्टिसिपेट करो तो आपको बहुत सी सीखने को मिलता है, ठीक है, जो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी होता है वो आपको यहाँ से ही सीखने को मिलता है, स्टूडेंट यूनियन का काम वही रहता है, ठीक है। बट इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए काम के लिए ही होता है, स्टूडेंट यूनियन बना जाता है, बीएचयू में नहीं है, इसलिए जो है बार बार जो है यहाँ पर क्या होता है, कई बार प्रोटेस्ट करना पड़ जाता है बहुत, नहीं तो अगर स्टूडेंट यूनियन रहता तो हो सकता है जो है और सही तरीके से सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए जा सकते थे। बट ठीक है, हर चीज़ के लिए यहाँ पर देखोगे प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है। चलो, तो यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब है, और एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हो सीट्स, कई कोर्सेज में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, आप देखो जल्दी से, ठीक है। ये बीएससी के कोर्सेज से कुछ है, देखो बीएससी है, बीए का भी कोर्स है, ठीक है। चलो, इतने सारे सीट्स हैं, जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है समझ जाना वहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है। चलो, ये सब कुछ यहाँ पर सीट के बारे में है, स्क्रीनशॉट लेते रहना जिनको भी लेना है, या फिर मैं बता भी दूंगा इसको अभी कहाँ से ये डाउनलोड करना है, ठीक हो। बीए में देखो यहाँ पर ड्राइंग एंड पेंटिंग करना है तो सरसर सीट है, ठीक है। श्रीनगर कैंपस में बहुत सारे सीट्स हैं, श्रीनगर कैंपस में आप देखोगे बहुत सारे सीट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इधर भी है, और भी स्कूल ऑफ ह्यूमनिटीज़ ये बताया जा रहा है, इकोनॉमिक्स में कितने हैं, ठीक है, एक एक करके आप देखते रहो। लॉ स्कूल ऑफ लाइफ साइंस ये देख लो, ठीक है, ये देख लो। तो इतने सारे सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सीट के बारे में हमारी चर्चा हो गई, अब आते हैं कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एडमिशन तो वही रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा जो कि हमने बता दिया है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसको देख लेते हैं, कहाँ चला गया, ठीक है। चलो, ये हो गया, फीस स्ट्रक्चर जान लिया, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो भाई, अगर बीएससी आपको करना है, ठीक है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में, तो बीएससी में जाने के लिए क्या करना होगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपने लिया है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, या फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो कोई 3 सब्जेक्ट यानी 600 नंबर पर यहाँ पर बनेगा। तो बीएससी के लिए कितने नंबर पर, 600 नंबर पर, कितने नंबर पर, 600 नंबर पर। और 600 नंबर पे अगर आपका जनरल कैटेगरी में, बता रहा हूं जनरल कैटेगरी में कट ऑफ, देखो जैसे याद आता है कोर्स, मैं यहां पे कट ऑफ आपको बताने लगता हूं, ठीक है। तो यहां पर कट ऑफ जान लो, तो यहां पर कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी में देखोगे तो 200 प्लस, ठीक है, या फिर 220 प्लस भी है, नहीं मान लो 200 बहुत काफी है यहां पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में 200 प्लस है, इसमें आपको बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा। वैसे देखो सबका वही है, बीएससी का कोर्स रहेगा तो तीन ठो लेना होगा, वही तीन, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर उसके जगह पर कुछ और भी, एग्रीकल्चर भी है, बायोलॉजी जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से बीएससी देख लो, ठीक है। मैथमेटिक्स ग्रुप में आपको मैथ्स रहना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है, मैथ्स रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास रहना चाहिए, या फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स भी लिया है आपने तो भी यहाँ पर हो जाएगा।
वैसे ही बीएससी जो है लाइफ साइंस में लेना है, ठीक है, तो यहां पर केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स आपके पास रहना चाहिए। बी फार्मा करना है तो यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में से कोई एक होगा तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। कट ऑफ लगभग वही जनरल कैटेगरी के 200-225 इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। चलो यहां पर देख लो अब, ठीक है, तो बीकॉम के लिए हो गया, बीकॉम के लिए आपको वही है जहां पर वही चीज रहे यहां पे। लेकिन ये देखो बी फार्मा लैटरल एंट्री जो है इसके लिए यहां पर बताया जा रहा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा तब भी आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। बीकॉम यहां पर है कॉमर्स, ठीक है, तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और यहां पर इकोनॉमिक्स, और जनरल के लिए वही रहेगा। इसका कट ऑफ लगभग थोड़ा और कम जा सकता है, ठीक है, 600 में से यहां पर देखोगे 600 का ही बनेगा, ठीक है। अगर आप तीनों लिया है, आपने तीन डोमेन, तो आप यहां पर ले सकते हो, तो 600 में से वही जो है 195 प्लस आप मान सकते हो 200 के आसपास इसका भी जाएगा। बीएससी योगिक साइंस में जाना चाहते हो तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए, और जनरल टेस्ट में अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर आपका इसमें 100 नंबर के आसपास है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 100 नंबर के आसपास, तो आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। और यहां पे बीटेक, सीएससी भी, कंप्यूटर साइंस भी यहां पर किया जा सकता है, आराम से कर सकते हो। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस, इन में से कोई एक ले सकते हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ इसमें से कोई भी एक, ठीक है, तो ये आप रहेगा यहां पर तो काम चल जाएगा। इसमें भी तीन डोमेन, तो वही इसमें थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, तो तीन डोमेन मतलब 600 में से आपका अगर यहां पे जनरल कटिंग में 250 के आसपास है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर बीटेक है, वही तो आप देख लेना आप एक एक करके, ठीक है, हर चीज बताना जरूरी नहीं है, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप एक एक करके देख लो, बीटेक आईई, ठीक है, बीटेक एमई, ये सब देख लो, यहां पे कुछ इस तरीके से बताया गया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके सीटी में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सर बीए कहां गया, भाई बीए कहां गया, ये सब कोर्स तो ठीक है, बीए कहां गया, हमको तो बीए करना था, हमको तो बीएससी करना था, तो बीएससी का ऊपर दिखा दिया, अब आ गया बाबू बीए का। देखो बीए अगर आपको करना है आर्ट्स में, लैंग्वेज में या फिर सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज में अगर आपको करना है यहां पे, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे जनरल टेस्ट चाहिए। तो इंग्लिश में जिन्होंने इंग्लिश दिया है वो बच्चे खुश हो सकते हो, क्योंकि यहां पर इंग्लिश का मार्क्स जुड़ेगा ही नहीं। कई लोगों का इंग्लिश का जो है पेपर खराब गया है, और हिंदी का गया था उनका तो अच्छा हो गया था, लेकिन यहां पे जनरल टेस्ट ही चाहिए बस। तो अगर आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहेगा, तो सिर्फ 100 नंबर आपका है, लगभग 100 नंबर, इससे थोड़ा कम भी रहेगा तब भी आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। और यह हम किसके लिए बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए। कट ऑफ के बारे में वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, और कल वाले वीडियो में कमेंट ऑफ हो गया है शायद गलती से, वो हम लोग उसको सही कर देंगे, ठीक है। और ये बी ऑनर्स है, देखो बी ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो जनरल टेस्ट ही चलेगा यहां पे, ठीक है। तो बीए के सारे कोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट चाहिए, और वही जनरल कैटेगरी के लिए 80 से 100 नंबर है, तो आपको एडमिशन यहां पे मिल जाएगा। बीसीए भी होता है, ठीक है, बीसीए भी होता है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ठीक है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। बीबीए के लिए भी चाहिए आपको क्या, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट, ठीक है। बीएससी यहां पर वो जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसके लिए फी ज्यादा लगेगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। बीएलएलबी भी चलता है, और बीएलएलबी में भी एडमिशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट से मिल जाएगा, ठीक है। तो देर किस बात की है भाई, ठीक है। मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि यार मतलब उस समय मुझे पता नहीं था इसके बारे में, नहीं तो मैं भी यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेता, ठीक है। क्योंकि जब हम यहां पर बीएचयू में पढ़ रहे थे, तो यहां पर फिफ्थ सेमेस्टर में हमको घूमने का मौका मिला था, हम लोग को टूर होता है यहां पर, अगर ज्योग्राफी ऑनर्स आप पढ़ते हो बीएचयू में, तो आपको टूर पर ले जाया जाता है फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं टूर करवाया जाता, तो हमें जो है वो उत्तराखंड के ट्रिप पर ले जाया गया था, 8 दिनों का था लगभग 8 से 9 दिनों का, तो उसमें हमने काफी कुछ वहां पर एक्सप्लोर किया था, घूमा था, ठीक है। लेकिन हालांकि ये यूनिवर्सिटी हमने नहीं देखा था, इसलिए कुछ पता नहीं था, बट हम लोग श्रीनगर भी गए थे, ठीक है, हम लोग ये जो घरवाल इधर भी घूमे थे, पौरी ये वाला जगह नहीं देखे थे, बट जो हरकी पौरी है वहां पर हमने गया था, हम गए थे, ठीक है। टिहरी भी हम लोग गए थे, तो टिहरी का जो डैम है हमने देखा था बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सब कुछ है यहां पर, और कुछ जानना है तो बताना, मेरी ओर से तो लगभग हमने सब कुछ इसमें कवर कर ही लिया है, हो सकता है कुछ छूटा भी हो, बट अब लगभग हमने जितना मुझे याद आया सब कुछ बता दिया है। एक बार मैं और आपको यहां पर घुमाना चाहता हूं, ठीक है, ऑनलाइन जैसा कि हम लोग यहां पर टूर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो मैं कुछ चीजें इसमें बताना चाहता हूं। जैसे आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए, तो आपको क्या करना है यहां पर, ये जाना यहां पर एडमिशन के ऊपर, और ये वाला क्लिक करना एडमिशन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे, तो वो जो हमने फीस स्ट्रक्चर सब कुछ दिखा रहे थे ना सीट्स के बारे में, वो सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही वाला प्रोस्पेक्टस, फॉर जैसे इसको क्लिक करोगे, ये वाला एडमिशन प्रोस्पेक्टस, ये यहां पर फिर आ जाओगे, ठीक है, ये वाला क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहां पर देखो यूनिवर्सिटी, तो तीन कैंपस जो हम बता रहे थे यहां पर, बीसीसी कैंपस, बीजीआर, एसटीआर, ठीक है, वही कैंपस है। इसके बाद यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, ये जो है
ये देखो ये सारे स्कूल्स चलते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ फैकल्टी चलते हैं बीएचयू में, वैसे यहाँ पर स्कूल्स आप सोशल साइंस ये सब कुछ यहाँ पर ठीक है कुछ इस तरीके से चलता है। एकेडमिक में देखोगे यहाँ पर तो एप्लीकेशन है यहाँ पे, फिर स्टूडेंट वेलफेयर भी है ठीक है, तो वो सब कुछ उसका चुनाव भी होता है। इसके बाद यहाँ पर देखो कंप्यूटर सेंटर जो हमने आपको शायद नहीं दिखाया कंप्यूटर सेंटर, ठीक है कंप्यूटर सेंटर हमने नहीं दिखाया था बट कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे है ठीक है। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कौन कौन से वो चलते हैं, गेस्ट हाउस भी है यहाँ पर, जैसे वो कल हमने एक डिस्कस किया था ना हरि सिंह गौर वाला, उसमें भी था और यहाँ भी है। सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि दिखाया था हमने, हॉस्टल भी है और यूएसआईसी, तो अगर आप देखने चाहते हो तो इसमें भी आप जाकर के देख सकते हो। एडमिशन में तो वही हमने दिखा दिया, फीस स्ट्रक्चर अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। एग्जामिनेशन तो यह है नहीं कुछ उतना इंपॉर्टेंट, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बता ही दिया कि भाई यहाँ पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो। तो जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है जा करके फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई। कई लोगों ने जो है लैंग्वेज का पेपर हो सकता है नहीं दिया होगा, लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया है तब भी आप सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट की बदौलत यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो एक मौका अभी भी आपके पास है, जाओ रजिस्ट्रेशन करवाओ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो है इसका आपको जो है वीडियो कैसा लगा ठीक है, और आपको यूनिवर्सिटी सीरीज अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ठीक है, और भी अगर इसमें कुछ चाहिए और भी कुछ सुधार करना चाहिए तो जरूर बताना, और भी अगर कुछ चाहिए इसमें कुछ और कि सर ये भी इंक्लूड कर दो ये भी बता दो, तो हम अगले वाले जो सीरीज में अगला वाला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम कोशिश करेंगे उस चीज को इंक्लूड कर देंगे ठीक है। तो आप जरूर बताना, इसका फीडबैक आप शेयर करना हमारे साथ, और साथ ही साथ तैयारी अगर करनी है आपको 2025 के लिए ठीक है और अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, जैसे ये भी बहुत बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, तो आपको तैयारी तो करना पड़ेगा, सीयूटी का तैयारी तो करना पड़ेगा, तो आप तैयारी करने के लिए जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो। नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है, 21 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, यूजी हो पीजी हो सीएचएस हो जो भी हो आप बात कर सकते हो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आज का जो है बहुत अच्छा रहा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यूनिवर्सिटी सीरीज के साथ बने रहिए, अगले मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।